हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हनुमान जी को। उस ड्राइंग को कलर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ऑयल पेंसिल का। मुझे पता है कि कलर पेंसिल मेरे दा वोट आए थे, बट मुझे इस ड्राइंग को ऑयल पेंसिल में ड्रॉ करना था, इसलिए मैं इस ड्राइंग को ऑयल पेंसिल में ड्रॉ करूँगा। और वैसे इस ड्राइंग का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बताया था कि आप हनुमान जी की आउटलाइन के ड्रॉ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं हनुमान जी के फेस को कलर करने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में कलरिंग करना स्टार्ट करूँगा। और बैकग्राउंड में कलर करने के लिए सबसे पहले मैं पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ करूँगा, देन उसके बाद मैं डीप ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा। सबसे ज़्यादा हमको बैकग्राउंड में पर्शियन ब्लू कलर का ही यूज़ करना है, देन उसके बाद डीप ग्रीन कलर का यूज़ करना है। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं ईयरबड्स का यूज़ करने वाला हूँ, बट ब्लेंडिंग करने के पहले आपको कॉटन ईयरबड्स में थोड़ा सा कलर अप्लाई कर लेना है, जिससे जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो जो कलर है वो फेड नहीं होगा। आपने बैकग्राउंड में राउंड राउंड करके ब्लेंडिंग करना है, यानी सर्कुलर मोशन में आपने ब्लेंड करना है। बैकग्राउंड में हाइलाइटेड एरियाज को कलर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा व्हाइट कलर का, देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगा येलो कलर का। डार्क एरियाज को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा, पर हल्के हाथों से। ओके, सो बैकग्राउंड में जितने भी व्हाइटेड एरियाज है, व्हाइटेड स्पॉट्स है, उन सबको कलर करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगा। फेस में कलरिंग करने से पहले मैं ऑयल पेस्टल को काफ़ी अच्छे से शार्प कर लूँगा, जिससे हमें कलरिंग करने में काफ़ी ईजी रहेगा। फेस में जितनी भी डार्क एरियाज है, उन सबको कलर करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा। बस आपने फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग डार्क एरियाज और लाइट एरियाज को ड्रॉ करना है। जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, और जहाँ पर लाइट एरियाज है वहाँ पर आपको थोड़ा लाइट प्रेशर अप्लाई करना है। ओके, सो मैं आप यूज़ कर रहा हूँ लाइट पीच कलर का फेस में स्किन टोन कलर करने के लिए। बस आपने पूरे फेस में काफ़ी अच्छे से कलर को फिल करना है, नहीं तो कलर ब्लेंड नहीं हो पाएगा। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज कलर का फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, सो फेस में ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो एरियाज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो ब्लेंडिंग स्टम्प से काफ़ी अच्छे से हम ब्लेंडिंग कर पाएंगे। ओके, सो फेस में डार्क एरियाज को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर पेंसिल का। अगर आपके पास ब्लैक कलर पेंसिल नहीं है तो आप कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। फेस के कुछ कुछ एरिया में मैं यहाँ पर ब्राउन कलर पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। बस आपने फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कलर फिल करते जाना है। हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपन यूज़ कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू कलर का। पूरे हेयर में हमको सबसे पहले पर्शियन ब्लू कलर को अप्लाई करना है। हेयर में डार्क एरियाज को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो अब हेयर्स में ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन ईयरबड्स का यूज़ कर रहा हूँ। बस आपने फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग
जिस डायरेक्शन में हेयर से उसी डायरेक्शन में अपने ब्लेंड करना है। ओके सब हेयर्स में डार्क एरियाज को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर में हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके सब यहाँ पर हमारे हनुमान जी का फेस काफ़ी अच्छे शेड हो चुका है। इनके नेक्स्ट पार्ट में मैं इनको कम्प्लीटली ड्रॉ कर दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जो कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जो कर देना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।